दुनिया में हर साल 22 बिलियन किलोमीटर्स ऑफ टॉयलेट रोल्स यूज होते हैं। बेटर समझने के लिए सिंपली बताता हूं, 22 बिलियन किलोमीटर टॉयलेट पेपर्स को अगर हम अर्थ के अराउंड रैप करेंगे तो ये अर्थ के ऑलमोस्ट 50,000 चक्कर लगा सकता है। और ये टिश्यूज बनते हैं पेपर से और पेपर बनता है ट्रीज कट करके। इनफैक्ट रिपोर्ट्स के हिसाब से पूरे वर्ल्ड में 10% डिफॉरेस्टेशन इन्हीं टिश्यू रोल्स की वजह से हो रहा है। और हम सबको पता है कि ट्रीज हमारे प्लेनेट के लिए कितने ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। पर टिश्यू रोल्स तो बेसिक हाइजीन का हिस्सा है, तो क्या अब हम टिश्यू रोल्स भी यूज करना बंद कर दें? वेल, शायद हाँ, क्योंकि रिसर्च के हिसाब से क्लीन करने के लिए टिश्यूज से ज्यादा हाइजीनिक और इको फ्रेंडली वाटर को माना जाता है। और इंडिया में तो टिश्यू रोल्स का ट्रेंड एकदम नया नया आया है। हम तो हमेशा से ही पानी से ही साफ करते आए हैं, तो इससे क्या बहुत सारा पानी नहीं वेस्ट होगा? नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि आपको जान के हैरानी होगी कि टिश्यू रोल्स को बनाने में उससे भी ज्यादा पानी यूज होता है। टू बी प्रिसाइज, सिर्फ और सिर्फ एक टिश्यू रोल को बनाने के लिए अराउंड 100 लीटर पानी यूज किया जाता है। और ट्रीज कटते हैं वो अलग प्रॉब्लम है। अब आप खुद बताइए कि क्या ज्यादा इको फ्रेंडली है। पर पानी की यूज करने के बाद भी ड्राई तो करना ही होता है ना, तब क्या करें? उसी का सॉल्यूशन है ये इको फ्रेंडली टिश्यू रोल्स, जो कि हमारे रेगुलर टिश्यू रोल्स जितना ही इफेक्टिव है। पर ये रोल्स ट्रीज कट करके नहीं बनते हैं, बल्कि बनते हैं वेस्ट पेपर को रिसाइकिल करके। और इसको यूज करने से दो मेजर प्रॉब्लम कैटर होती हैं। पहली तो ये कि इन टिश्यू रोल्स को यूज करने से डिफॉरेस्टेशन कम होगा, और दूसरी ये कि इससे पेपर वेस्ट मैनेजमेंट भी बेटर होगा। पर सर, रिसाइकल पेपर को यूज करना सही होगा? यूज पेपर को रिसाइकिल करके इन टिश्यू रोल्स को इस तरह बनाया जाता है कि वो यूज करने के लिए हाइजीनिक और सेफ हों। आई नो कि ये दिखने में थोड़े ऑफ वाइट हैं और हो सकता है कि नॉर्मल वाइट पेपर से थोड़ा कम सॉफ्ट भी हों, पर ये प्लेनेट फ्रेंडली हैं। और क्या स्विच करने के लिए इतना रीजन काफी नहीं है? पर क्या आप बता सकते हैं टिश्यू रोल बनते कैसे हैं? वेल, ये प्रोसेस काफी सिंपल है। सबसे पहले वेस्ट पेपर्स को पल्पर नाम की एक मशीन में डाला जाता है, जहां गर्म पानी और क्लीनर्स को मिक्स किया जाता है, जिससे पेपर्स इस तरह के स्लरी में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसके बाद स्लरी को ड्राई किया जाता है और इनमें कुछ व्हाइटनिंग एजेंट्स मिलाए जाते हैं, और एक बार फिर इन्हें ड्राई किया जाता है, और कुछ स्टेप के बाद ये टॉयलेट पेपर रोल्स बनके तैयार हो जाते हैं। वाओ, ये तो एकदम मस्त है। अब से मैं भी इन्हीं रिसाइकल टिश्यू पेपर्स को ऑर्डर करूंगी। तो क्या आपको भी ये प्रोडक्ट अमेजिंग लगा? अगर हाँ, तो आप इसे किसी भी ऑनलाइन मार्केट प्लेस से रिसाइकल पेपर टिश्यू रोल्स के नाम से सर्च करके ऑर्डर कर सकते हैं और अर्थ को पेपर वेस्ट से अनरैप करने में हेल्प कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट संडे। हम ऐसे ही एनवायरमेंट अवेयरनेस पर फिल्म्स बनाते हैं, तो अगर आप एनवायरमेंट को लेकर थोड़ा सा भी सीरियस हैं और उसे सेव करना चाहते हैं, तो आप इको फ्रीक्स नाम के फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम ऐसे लोगों की कम्युनिटी बनाना चाहते हैं जो एनवायरमेंट के बेटरमेंट के लिए कुछ कर रहे हों। तो अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं या आप खुद कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो आप इस ग्रुप में जाके पोस्ट कर सकते हैं, सो दैट और लोगों को इसके बारे में पता चले। लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। थैंक यू एंड टेक केयर।